हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के विषय में पढ़ेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हम कैसे फाइंड करते हैं, ये कितने प्रकार से फाइंड किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन आज हमें यही सीखना है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हाईएस्ट मीन्स महत्तम, यानी बड़ा, सबसे बड़ा। सीम फिर कॉमन, और एफ फॉर फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए नंबर विच डिवाइड द ऑल गिवन नंबर्स एग्जैक्टली आर कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो लुक एवरीवन, मेनी एग्जांपल्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की सबसे आसान विधि है थिंकिंग मेथड, अर्थात सोचने की विधि। हम दी गई संख्याओं को ध्यान से देखकर सोचते हैं कि ये तीन संख्या जैसे 12, 15, 18 है, हम ये सोचेंगे कि वह कौन सी बड़ी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करती है। अब देखिए, ये हमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर ये नहीं होगा। और 2 के बाद हमारी टेबल आती है 3 की, तो ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये तीनों नंबर हमारे 3 से डिविजिबल हैं, तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही हम और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, 24, 36 एंड 72, ये तीन नंबर हैं। अब ये तीनों नंबर किस नंबर से डिवाइड होंगे, हम बड़े से बड़ा नंबर जो हमारा जब हम सोचेंगे तो ध्यान से जो बड़ी से बड़ी नंबर आएगी वो 12 होगी। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72, तो हमारा इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 12 होगा। तो ये सोचने की विधि है, अर्थात हम थिंकिंग मेथड की सहायता से भी जो एक ही नंबर दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करते तो वह नंबर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब हम दूसरी विधि याद करेंगे और सीखेंगे। नाउ वी लर्न मेथड ऑफ फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के मेथड। तो लुक एवरीवन, नंबर 1 ऑल फैक्टर्स मेथड, अर्थात हम नंबर के सभी फैक्टर हम फाइंड करेंगे और फिर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर जो दिए हैं उन सबके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और उनमें तीनों में जो कॉमन होगा, सम में जो कॉमन होगा, उनकी मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। डिवीजन मेथड भी हमारा एक बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट मेथड होता है जिसे हम आज सीखेंगे। तो लुक एवरीवन, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 30 यूजिंग ऑल फैक्टर्स मेथड। नंबर 1 सॉल्यूशन, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 ये ऑल फैक्टर्स फाइंड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 की टेबल में 24 नहीं आता इसलिए 5 नहीं लिखेंगे, 6 की 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है और 24, तो ये इसके फैक्टर होंगे। 30 के फैक्टर लिखेंगे 1, 2 की टेबल में 30 आता है तो 2, 3, 4 की टेबल में 30 नहीं आता तो नहीं लिखेंगे, 5, 6 के बाद हमारा 10 की टेबल में आता है, 10 के बाद हमारा 15 की टेबल में आता है और आफ्टर दैट 30। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे 1 है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 और 4 कॉमन नहीं है, केवल 6 कॉमन है और 8, 10, 12, 15 ये हमारे कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया, 6 जो सबसे बड़ा कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 एंड 30 इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर देंगे, एग्जाम्पल 2, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 60 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। रूल सेकेंड, सॉल्यूशन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 60 ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2 डिवीजन, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, अगेन डिवाइड 3 बाई
3 3 1 3 16 डिवाइड फ्रॉम 2 2 3 जा 6 2 0 0 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1 2 5 जा 10 डिवाइड 3 5 जा 15 अब 3 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 तो अब हम इनको यहां पर हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 3 ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉमन फैक्टर्स ऑल कॉमन फैक्टर्स 2 2 अब ये 2 कॉमन नहीं है 3 एंड 3 कॉमन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 40 एंड 60 इज 12 अगर आप ध्यान से देखेंगे हम 12 की टेबल में 48 और 60 आता है तो 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60 तो हम थिंकिंग मेथड से डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं जब हम एमसीक्यू फाइंड करते हैं तो एमसीक्यू करते समय जरूरी नहीं कि हम इस प्रकार से करें तो हम डायरेक्टली 12 4 जा 40 12 5 जा 60 तो 12 हमारा आंसर होगा अब हम डिवीजन वाला मेथड करेंगे एग्जांपल थर्ड फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 72 84 यूजिंग डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड मींस स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करना है तो इट इज वेरी सिंपल मेथड तो लुक एवरीवन 72 से 84 को हम डिवाइड करेंगे 72 वन जा 72 माइनस करेंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 अब ये जो 12 आया इस 12 से 72 को डिवाइड करेंगे 12 वन जा 12 और 12 सिक्स जा 72 अब जो हमारी जिस नंबर ने इसको डिवाइड करा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 72 एंड 84 इक्वल टू 12 ये हमारा आंसर है तो इस ये बहुत ही आसान मेथड है और इस मेथड के थ्रू हम कोई भी डिवीजन निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का कैसे भी संख्या का तो इसके लिए हमें ज्यादा जरूरी है कि हमारे पे डिवीजन करना आना चाहिए जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आता तो वे कभी भी इस मेथड को यूज नहीं कर सकते और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते अब हम सभी बच्चे एक्सरसाइज सीखेंगे तो लुक एवरीवन एक्सरसाइज 3.4 नंबर 1 फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ए 75 एंड 50 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर ए हम लेंगे 75 50 प्राइम फैक्टर 75 एंड 50 75 7 प्लस 5 12 तो 3 की टेबल में आ जाएगा 3 2 जा 6 रिमाइंडर 1 3 5 जा 15 अब ये 2 प्लस 5 7 होता है 3 की टेबल में नहीं आएगा 5 की टेबल से डिविजिबल है तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 50 50 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 1 प्लस है 0 तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 25 डिविजिबल बाय 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25 अब फैक्टर लिख रहे हैं हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 3 5 एंड 5 प्राइम फैक्टर ऑफ 50 2 5 एंड 5 कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 75 एंड 50 कॉमन प्राइम फैक्टर इज द 5 एंड 5 5 5 जा 25 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 25 तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं इनमें से केवल एक क्वेश्चन और कराऊंगा बाकी आप ई क्वेश्चन में और कराऊंगा बी सी डी और एफ ये सभी बच्चे अपने आप करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन करना सॉल्यूशन ई 36 40 96 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 36 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से बिकॉज 1 प्लेस हैज 6 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1 2 8 जा 16 अगेन डिवाइड 2 9 जा 18 9 इज डिविजिबल बाय 3 तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 40 इज डिविजिबल बाय 2 तो 24
12, 6, 3, or 3, 1, 2, 3. 96 divisible by 2, 48, and 48 is ki same as hi rahenge, 24, 12, 6, 3, and 3, 1, 2, 3. तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 36 2 2 3 3 2 2 3 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 48 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम, प्राइम फैक्टर ऑफ 96 से फैक्टर यहाँ से देखकर ये लिख लेंगे। अब इनमें कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 36 40 96, इनमें कॉमन फैक्टर हमारा 2, सेकेंड 2, थर्ड 2 नहीं है, क्योंकि आप ऊपर देखेंगे ध्यान से इसमें केवल दो ही 2 है और तीसरा फोर्थ 2 ये दोनों नहीं है, ये कॉमन नहीं है, केवल 3 3 3 ये हमारा कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लिखेंगे। तो ये कॉमन हमारे नहीं से लिख कर देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 40 96, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4 4 3 12, तो 12 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। हम इसको थिंकिंग मेथड से भी कर सकते हैं, 12 3 36, 12 4 40 और 12 8 96, तो इस प्रकार से हम बी सी और डी सभी बच्चे अपने आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर एफ, हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑल कॉमन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर फाइंड करके। लेकिन जब भी हम ऑल फैक्टर फाइंड करने होते हैं तो हमेशा हम मन मन में नंबर से डिवाइड करते हैं और स्टार्ट हम हमेशा वन से ही करते हैं। तो लुक एवरीवन ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग ऑल फैक्टर्स मेथड ए 32 एंड 36, इन दोनों का हम ऑल फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो 1 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 32 हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 32 3 के टेबल में नहीं आता, 4 से डिविजिबल है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये अगेन 8 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है एंड 32 से डिविजिबल है। 36 हमारा 1 से डिविजिबल होगा क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, 2 से भी डिविजिबल है, 36 3 + 6 9, तो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, बट 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं 6 से डिविजिबल है, 36 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 7 नहीं लिखेंगे, 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल है, 9 के आफ्टर हमारा 12 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से डिविजिबल है, 12 के आफ्टर हमारा 13 14 15 16 17 किसी से डिविजिबल नहीं होगा, डायरेक्टली 18 से डिविजिबल होगा, और फिर नेक्स्ट नंबर 36। अब कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 36, इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो लुक एवरीवन वेरी केयरफुल, 1 इज द कॉमन, 2 इज द कॉमन, 3 इज नॉट कॉमन, सो 4 इज कॉमन, 4 हमारा कॉमन है, 8 और 6 कॉमन नहीं है, 9 और 16 कॉमन नहीं है, 12 30 कॉमन है, अब हमारा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा है वो 4 है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट बनाना है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 32, ऑल फैक्टर ऑफ 36, कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 36, 1 2 4 कॉमन फाइंड करके यहाँ लिख लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 36, 4। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी अपने आप करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सभी बच्चों को आप समझ के और ध्यान से करने हैं। ऑल स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुल, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर, सो लुक एवरीवन वेरी केयरफुल ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग डिवीजन मेथड, क्वेश्चन नंबर है 504 एंड 672। सॉल्यूशन ए 504 672, डिवाइड 672 बाय 504, 1 टाइम 504 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, रिमाइंडर 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 504 16 3 जा
48, 16 की टेबल इन टू नंबर की टेबल हम इसमें 3 टाइम पढ़ सकते होंगे, 4 टाइम नहीं पढ़ सकते, तो 3 यहां लिख लेंगे। अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 कैरी ऑन टू, 3 6 18, 18 प्लस 2 20 कैरी ऑन टू, 3 1 3 प्लस 2 5, 504 माइनस 504 रिमाइंडर 0, तो 168 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 504 and 672 इक्वल टू 168। ये हमारा सबसे आसान मेथड है, लेकिन सभी बच्चों को डिवीजन आनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर बी मैं करा चुका हूँ, आप एग्जांपल में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी सॉल्यूशन, अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जब 3 डिजिट होती है तो 3 डिजिट में हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से उससे बड़े नंबर को हमें डिवाइड करना चाहिए। अब 46 से 69 को हम डिवाइड करेंगे फर्स्टली, 46 1 जा 46, 9 माइनस 6 इजल टू 3, 6 माइनस 4 इजल टू 2, और 23 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 23 से 46 को 2 टाइम टेबल चलेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 46। तो हमारा ये जो 23 आया, 23, 46 और 69 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब 23 से इस नंबर से 92 को डिवाइड करेंगे अगेन, 23 से 92 को डिवाइड करेंगे, अगर इससे इसको डिवाइड करने में पूरा डिवाइड हो जाता है या उससे आगे करना पड़ता है तो वो प्रक्रिया करेंगे जैसा हमने यहाँ करा है। तो 23, 2 4 जा 8, तो 4 टाइम टेबल चलेगी हमारी, 4 3 जा 12, 2 कैरी ऑन 1, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 23 4 4 जा हमारा 92 होता है। तो 23 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 46 69 92 इक्वल टू 23। अगर किसी बच्चों को 23 की टेबल याद है, और मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि हमारे सोचने की विधि थिंकिंग मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो जब हम सोचेंगे कि ये 23 की टेबल है, हमारी 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 23 दूनी 79, 23 चौका 92, तो ये 23 की टेबल सुनिए, जिनको हमें 23 टेबल याद है तो आसानी से बिना डिवीजन करे ही वो क्लास के अंदर ओरल बता सकता है। अब हम क्वेश्चन एक और करेंगे, बाकी क्वेश्चन सभी को फिर अपने आप करने होंगे। सॉल्यूशन डी 136 187 374 का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू बाई डिविजन मेथड। तो फर्स्टली मैंने भी बताया था कि सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 136 से 187 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 7 माइनस 6 इजल टू 1, 8 माइनस 3 इजल टू 5, और 51 से 136 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 टाइम चलेगा, क्योंकि 3 टाइम 5 3 जा 15 होता है, ओनली 2 टाइम टेबल चलेगी, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 6 माइनस 2 इजल टू 4 एंड 3 सेम। अब 34 से 1 टाइम चलेगा हमारा, 11 माइनस 4 इजल टू 7 एंड 4 माइनस 3 इजल टू 1, अब 17 से 34 को डिवाइड करेंगे, 17 2 जा 34। अब इसे में पता चलता है कि अगर ये केवल ये दो नंबर होती तो इन दोनों नंबर का हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता, 17 होता। अब इस 17 से 374 को दोबारा से डिवाइड करेंगे, अगर ये इसको पूरा डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, 17 ही 30 इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 17 2 जा 34, 7 माइनस 4 इजल टू 3, टेक डाउन 4 और 17 2 जा 34। हम देखते हैं कि 17 ने इस नंबर को भी पूरा डिवाइड कर दिया है, तो इसलिए 17 हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 136 187 इक्वल टू 17। तो आप देखते हैं कि हमारी जो डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड उन सभी मेथड से सबसे आसान है। बस यहाँ पर यही समस्या है कि कुछ बच्चे बड़ी डिवीजन को देखकर
घबराने लगते हैं। इसलिए डिवीजन को सीखना बहुत आसान है। जो बच्चे डिवीजन को बड़े ध्यान से सीख लेंगे तो ये मेथड सबसे आसान है। तो आप जब बड़ी क्लास में आएंगे तो वहां पर आपको इसी मेथड का अधिक उपयोग करना होगा। अब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 175 एंड 385 एक्जेक्टली। मैंने अपनी डेफिनेशन में समझाया था कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, अर्थात एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होगा। तो 175 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 175 एंड 385 बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड तो हम 175 से 385 को डिवाइड करेंगे तो 175 टू जा 350 होता है। 5 - 0 = 5, 8 - 5 = 3। और 35 से 175 को डिवाइड करेंगे और 35 × 5 = 175 होगा। तो हमारे जो आंसर आ गया, तो वह बड़े से बड़े नंबर क्या है जो 175 385 को डिवाइड करेगा, वो 35 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 175 एंड 385 = 35, ये हमारा आंसर आ गया। आपने देखा कि हमने वर्ड प्रॉब्लम को भी डिवीजन मेथड से बहुत आसान बना दिया। तो सभी बच्चों को डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी, द लेंथ ऑफ टू मेजरिंग टेप आर रेस्पेक्टिवली 35 मीटर एंड 63 मीटर। यानी एक टेप है जो 35 मीटर और 63 मीटर के अलग अलग दो टुकड़े हैं, उनको फाइंड द लॉन्गेस्ट मेजर बोथ द टेप एक्जेक्टली। और एक हमें ऐसा टुकड़ा लेना है जो अधिक से अधिक लंबाई का हो और इन दोनों को पूरा पूरा एग्जैक्टली मेजर कर ले। तो हमें लॉन्गेस्ट फाइंड करने के लिए, तो द लॉन्गेस्ट मेजर ऑफ टेप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 63। अगेन द डिवीजन मेथड, 35 × 35, 13 - 5 = 8, रिमाइंडर 5 - 3 = 2, 28 35 को डिवाइड करेंगे, 15 - 8 = 7, अब 7 से 28 को डिवाइड करेंगे, 7 × 4 = 28। तो हमारा जो आंसर आ गया लॉन्गेस्ट मेजर ऑफ टेप 7 आ गया। तो यहां पर लिख देंगे द Hence, the longest measure of tape which measures 35 meter and 63 meter exactly is 7 meter. अर्थात 7 meter से हम इन दोनों टुकड़ों को रस्सी के आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63। क्वेश्चन नंबर सी, a shopkeeper gets rupees 450 by selling chocolates ऑन फ्राइडे। यानी फ्राइडे में वो चॉकलेट बेचकर 450 रुपी इनकम करता है। ही गेट्स 575 ऑन सैटरडे एंड 750 ऑन संडे। व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ई चॉकलेट, यानी एक चॉकलेट की मैक्सिमम प्राइस क्या है। तो मैक्सिमम प्राइस, द मैक्सिमम प्राइस ऑफ Each chocolate is highest common factor of rupees 450, 575 and 750। तो हम इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे।
बाय डिवीजन मेथड 400 फिफ्थ से 575 को पहले डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट से उससे बड़े को, और जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा उससे फिर इन थर्ड नंबर को, तो वन टाइम टेबल चलेगी 450 5 - 3 = 5 7 - 5 = 2 5 - 4 = 1। अब 125 से 450 को डिवाइड करेंगे 12 3 - 36 थ्री टाइम टेबल चलेगा 3 5 - 15 3 2 - 6 = 7 3 - 3 और 3 1 - 3 10 - 5 = 5 14 - 7 = 7 अब 75 से अगेन 125 को डिवाइड करेंगे वन टाइम टेबल चलेगा 5 - 5 = 0 12 - 7 = 5 75 को डिवाइड करेंगे वन टाइम रिमाइंडर 25 अब 25 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 2 = 50 तो हम देखते हैं इन का दोनों का जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो 25 आ गया। 25 से 750 को डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हेंस हेंस द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट इज रुपीज 25 अर्थात 25 रुपए की सभी को एक ही चॉकलेट रूप में बेचा जा सकता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 138 एंड 175 इज डिवाइडेड लीव्स रिमाइंडर 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड कीजिए कि 138 और 175 दोनों डिवाइड हो जाएं और जो रिमाइंडर बचे वो 2 एंड 3 रहे, बिकॉज रिमाइंडर 2 एंड 3 सर एक्चुअल नंबर, बिकॉज लीव्स रिमाइंडर 2 एंड 3 रेस्पेक्टिव फ्रॉम 138 175 देयरफॉर एक्चुअल नंबर विच आर डिविजिबल, तो डिविजिबल जो होंगे जो हमारे रिमाइंडर हैं उन दोनों को इसमें से रेस्पेक्टिवली क्रम से माइनस कर देंगे, तो 138 माइनस 2 175 माइनस 3 तो 138 में माइनस 2 करेंगे 136 और 175 माइनस 3 करेंगे तो 172। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 136 एंड 172। तो इससे हम डिविजिबल मेथड से 136 172 को डिवाइड करेंगे वन टाइम 12 - 6 = 6 6 - 3 = 3 36 से 136 को डिवाइड करेंगे हमारी टेबल 3 टाइम चलेगी 3 4 - 12 4 3 टाइम चलेगी तो 3 से चलेंगे 3 6 - 18 8 - 1 3 3 - 9 - 1 10 16 - 8 एंड 2 रिमाइंडर 28 से 36 को डिवाइड करेंगे 28 1 - 28 जो नंबर इधर आता है उसी नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, तो 28 से डिवाइड करेंगे 16 - 8 = 8 अब 8 से 28 को डिवाइड करेंगे 8 3 - 24 8 - 4 = 4 और 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 2 - 8 तो हमारा जो नंबर आया तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 138 एंड 175 इज फॉर व्हेन लीव्स रिमाइंडर 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और 2 एंड 3 दोनों में से क्रम से शेष बचेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर ई करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई 3 ड्रम्स आर फिल्ड विद मिल्क, 3 ड्रम दूध से भरने हैं,
रेस्पेक्टिवली 60 लीटर, 75 लीटर, 90 लीटर, यानी कि तीनों में एक में 60 लीटर 60 लीटर आए, एक 75 लीटर का और 90 लीटर का। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कैन बाय विच द मिल, और एक कैन में के द्वारा बना उसका अधिक से अधिक कितना दूध भरा जाए उसके द्वारा ये तीनों के तीनों पूरे के पूरे फिल हो जाएं, मेजर्ड एक्जेक्टली, जो पूरा का पूरा एक्जेक्टली मेजर हो। तो इसका भी हमारा वही है कि हमें यहाँ पर इन तीनों का 60, 75, 90 लीटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। सो हम अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 75, 90। हम इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। 61 जा 60, 75 माइनस 60, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, 15 4 जा 60, और फिर हमारा 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 60 और 75 का। 15 से 90 को डिवाइड करेंगे, 15 6 जा 90, 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पता चल गया द हेंस द मैक्सिमम कैपेसिटी of can is 15 liter by which the milk of each drum can be measured exactly। अर्थात 15 लीटर का जो कैन है, 15 लीटर के कैन की सहायता से हम दो तीनों के तीनों ड्रम के अंदर जो दूध है, दूध भरा हुआ है, हम उनको आसानी से मेजर कर सकते हैं और दूध तीनों में बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। अब हम अगली एक्सरसाइज 3.5 अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।